कश्यपोत्रिर भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतमः जमद्गनिर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः गृह्णन्त्वर्ध्य मया दत्तं तुष्टा भवत्मे सदा। दोस्तों, आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ऋषि पंचमी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और ऋषि पंचमी की कथा के बारे में। दोस्तों, हम सभी से जीवन में कुछ न कुछ गलतियां होती हैं। खासकर किसी व्रत के दिन हम जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा कर लेते हैं जिसका बड़ा भारी दोष हमें लग सकता है। और व्रत के दिनों में जो महिलाएं हैं या कन्याएं हैं, यदि उन्हें पीरियड्स हो जाए और पीरियड्स की अवस्था में जाने अनजाने में किसी भी पूजन सामग्री को यदि छू लेती है, तो ऐसे में जो पाप लगता है उससे बचने के लिए हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक व्रत किया जाता है जिसे ऋषि पंचमी व्रत कहते हैं। इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए गए हर पाप का, हर गलती का प्रायश्चित हो जाता है। तो इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, साथ ही माता अरुंधति की पूजा की जाती है। किसी भी व्रत के दिन यदि जाने अनजाने में या कोई भी जीव हत्या हो जाए, जैसे कि अगर अनजाने में कोई चींटी भी आकर पैर के नीचे मर जाए, तो उसका बड़ा भारी दोष लगता है। साथ ही व्रत के दिन अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाने से या फिर किसी भी व्रत में जो दान की सामग्री दी जाती है, यदि उसमें कोई कमी हो तो उससे लगने वाले दोष से बचने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत हर भक्त को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। इस व्रत में दोपहर के समय विशेष पूजा की जाती है। दोपहर के समय तालाब में जाकर अपामार्ग की दातुन से दांत साफ करके अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान किया जाता है। यदि ऐसा संभव न हो तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, अपामार्ग चिरचिटा यह जर्जरता भी कहते हैं। यह एक प्रकार से जंगली झाड़ी की तरह दिखता है, लेकिन इसके बिना आज का यह व्रत या उपवास अधूरा माना जाता है। स्नान करके घर वापस लौटकर गाय के शुद्ध गोबर से पूजा की जगह पर लीपना चाहिए। फिर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, फिर पंचरत्न, पंचमेवा, फूल, गंध, अक्षत से पूजन करें। व्रत का संकल्प लेना चाहिए, साथ ही क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह व्रत केवल सप्त ऋषियों को और माता अरुंधति को समर्पित होता है। इसलिए कलश के पास ही अष्टदल कमल बनाकर उसके दलों में कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के साथ ही वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति की प्रतिष्ठा की जाती है। इन सभी सप्त ऋषियों का और माता का षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत में साठी का चावल और दही खाया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जूते हुए अन्न या फिर नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन पूजन करने की बाद कलश सामग्री को किसी ब्राह्मण देवता को दान में दे देना चाहिए, साथ ही कुछ दक्षिणा और हो सके तो अन्न वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ आप जो भी सामग्री का दान करना चाहते हो वो दान में देना चाहिए। आपको ब्राह्मण देवता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के बाद और उन्हें भोजन कराने के बाद आपको स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर इस दिन ब्राह्मण को दान देना संभव न हो तो आसपास के मंदिर में भी आप दान की यह सामग्री भिजवाकर खुद भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन माता रंगती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, यदि संभव हो तो आज के दिन आपको किसी ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित घर पर आमंत्रित करके अन्न, वस्त्र, धन आदि सम्मान सहित देकर उन्हें घर से विदा करना चाहिए। साल 2023 में 20 सितंबर बुधवार को ऋषि पंचमी है। पंचमी तिथि प्रारंभ 19 सितंबर मंगलवार की दोपहर 1:40 से है और समाप्त होगी 20 सितंबर बुधवार की दोपहर 2:16 तक।
दोस्तों आज के दिन क्योंकि दोपहर के समय ऋषियों की पूजा की जाती है, तो 20 सितंबर बुधवार को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक है। दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन दो प्रमुख कथाएं जरूर सुनी जाती हैं, जिसमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कोई शील वर्ग के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, परंतु दैवयोग से कुछ दिनों के बाद में कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति अपनी कन्या सहित गंगा जी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वे ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कुछ कहते भी पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी हमारी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही पूजा के बर्तन छू दिए थे और इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धार्मिक शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मा घातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वे चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है, और यदि यह शुद्ध मन से अभी ऋषि पंचमी का व्रत करें तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य भी प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से तब पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई और अपने अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षर सुखों का भोग भी मिला। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। दोस्तों सत्युग में वितर्क नगरी में शेनजीत नामक एक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगे रहे। कुछ समय के बाद वे दोनों पति पत्नी अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने अगले जन्म में कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण और उसके हाथों का बना भोजन करने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सचित्र अपने अतिथियों का सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई घर से बाहर गई हुई थी तो एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष डाल दिया। कुतिया के रूप में सचित्र की माँ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने के लिए खीर से भरे उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्रा की पत्नी चंद्रावती से जब कुतिया का ऐसा करना न देखा गया तो उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारा। बिचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सचित्र की बहू अक्सर उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसे वह भी बाहर फिंकवा आदि सब खाने का सामान और खीर फिंकवा कर उसने बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर कुतिया बैल के रूप में रह रहे
अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली है, स्वामी आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को डोक देता था, लेकिन आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य मैंने कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे बहुत मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब एक बैल भी कहने लगा है, भद्रे तेरे पापों के कारण तो आज मैं भी इस जीवन में आ पड़ा हूँ और आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट गई है। मैं भी दिन भर हल में जुता रहा, मेरे बेटे ने आज मुझे भोजन भी नहीं दिया और मुझे मारा भी। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध पूजा को तो निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था, उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वो वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। तब ऋषि का कहने लगे कि तुम अपने माता पिता की मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दान में दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुद्ध करके स्नान करके ध्यान करना और नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर वापस लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन और व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वे समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को जाती है और उसे किसी प्रकार की अशुद्धि का दोष भी नहीं लगता। इसलिए आज के दिन सभी को हो सके तो व्रत रखकर पूजा जरूर करनी चाहिए। ये थे ऋषि पंचमी की कथाएं। अगर आपको पौराणिक कथा सुनना पसंद, हमारे चैनल पर हर दिन सुबह पौराणिक कथाएं अपलोड की जाती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।